दरिया चनाब पर पहली प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर ने दरिया चनाब पर मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 समेत सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, एजुकेशन, महकमा लाइव स्टॉक, महकमा सोशल वेलफेयर ने मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर के हमरा दीगर जिला अफसरान भी मौजूद थे। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब जदा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए हस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। तमाम महकमों की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए ताकि अवाम को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फ्राहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किया गया ताकि मुमकिन सैलाब की सूरत में लोगों को बेहतर तौर पर रहनुमाई की जा सके। डिप्टी कमिश्नर सैयद मसूद नौमान ने इस मौके पर कहा कि सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू 1122 और मुतलका इदारे फ्रंट लाइन वर्कर होंगे। डिप्टी कमिश्नर ने इदारों पर इत्मीनान का इजहार किया।